हेलो दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारों के बाद आप लोग को संडे की हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज संडे और 6:30 हो चुके हैं और मैं उठ गया हूँ। यूजली उठता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आज कुछ खास दिन है वो उसके बारे में आप लोग को मैं बाद में बताऊँगा। तो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद रेडी होने के लिए, निकलता हूँ मैं अभी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक आप एंजॉय कीजिए, बाय। हॉट वाटर इन मॉर्निंग, कुछ ज़्यादा ही गर्म है दोस्तों। फिर जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं तैयार हो चुका हूँ, बस खाली अब शर्ट पहनने की देर है और शर्ट पहने की हम यहाँ से उड़न छू। लेकिन क्या करूँ, पहन के करूँ क्या, अभी तो हमारे दो बंदे आए ही नहीं है, निशांत और किरण। अब पता चला है कि अब निकले हैं अभी, अब भाई साहब लोग अभी साइन से तो आते होंगे भी आराम से। अब उनको पहुँचने के लिए कम से कम 40 मिनट लगने वाला है। हमारा प्लान था निकलने के लिए करीबन 8:30 बजे, लेकिन अब हो चुके हैं करीबन 9 और अभी वहाँ से निकले हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि अभी वो पहुँचेंगे यहाँ पे 9:30 के आसपास में। उसके बाद हम निकलेंगे, तब तक मैं ऐसे ही घूमता हूँ फुर्सत में, क्या किया जाए, आराम करते हैं बैठ के। मॉर्निंग में पनीर की सब्ज़ी का काम चालू हो गया है और हमारे शेफ बैठे लगे हुए हैं सुबह से, थैंक्स टू हर, काम में लगे हुए हैं। नाउ पनीर इज़ रेडी, इसका टेस्ट हम दोपहर को लेंगे लंच में, बट मज़ा आ गया। चलो दोस्तों, ये सब आ चुके हैं, बैठे किरण निशान पीछे बैठे हुए आराम से, अब हम निकल चुके हैं। जय साईनाथ, जय साईनाथ, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। चालू हमारा चाय पीने का प्रोग्राम, फिर भाई निशांत आपको बता ही चुका हूँ चालू है लोग का, लेके आए घर से। चीयर्स। वैसे चाय पीता नहीं हूँ अभी, काफ़ी टाइम लगेगा, दो ढाई घंटा लगने वाला है सीढ़ी के लिए। जी हाँ, हम निकले सीढ़ी के लिए। जय साईनाथ। चाय का मज़ा नहीं है, चाय ठंडी हो गई क्या? हाँ ठंडी हो गई। बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। आम्ही संदीप लान बघतो आईला करू का? खड़ा है किरण भी, खड़ा है किरण, सबको दर्शन करा रहे हैं हम लोग वीडियो कॉल के हिसाब से। ये हम लोग हैं इधर, आईला करू भाई, पूरे सीढ़ी बाबा का ही है, तो पास में है आगे हैं, बस सर का कर सकते हैं। दर्शन हो गए बाबा के, 5 मिनट में यहाँ से वापस निकलेंगे घर के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों। जहाँ पे भक्तों की भीड़ होती थी रोज, आज ये पूरी जगह खाली है। अब बाबा ही संभाले, सुना है कि अगले महीने से चालू हो जाएगा। सब जगह सुनसान है। चलिए अब हमें रिटर्न जाने की तैयारी, हमारी पूरे घर से इंजाम हो गया था, अभी हम जरा इसको खाते हैं, मस्त मज़े करते हैं। रेडी है या खाओ खाओ। आज की ट्रिप के बारे में किरण क्या ख्याल है तेरा? क्या ख्याल है, बहुत अच्छी ट्रिप रही, मजा आया ना, बहुत कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेके चलते तो कुछ होता ही नहीं था। नहीं, सवाल ही नहीं, सिंपल सा फंडा है हाँ, कि
मन शांत हो गया, तृप्त। हाँ, तेरा क्या बोलने का मतलब है? ई पास के बिना भी हम लोग जैसे आ गए, ये बहुत बहुत पक्का पुलिस वाले पकड़ेंगे अभी हमें। अभी तो कोई सवाल ही नहीं पकड़ने का। वही अभी तो हम घर पे जा रहे हैं, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, घर पे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। स्टेट क्रॉसिंग के लिए, विद इन स्टेट है, स्टेट क्रॉसिंग ला ई पास ला। हां वही तो, मतलब ये कि दोस्तों खाली करने के पहले 10 बार सोच लो, और जब कर लिया तो सोचने का नहीं, फिर मजा करना है। फिर इतना याद रखो, निशान गाड़ी चला रहे, किरण आगे बैठा हुआ है, मैं पीछे बैठा हूँ, लेकिन साला सेट वाली फीलिंग आती ही नहीं मुझे यार, बैठे बैठे साला जिनके ड्राइवर गिरी किया तो सेट वाली फीलिंग कहाँ से आएगी? नहीं, सेट वाली फीलिंग हम उसको आने नहीं देते। ये बस हम बार बार उसकी जैसे दोस्त लोग, बाहर का नजारा हमने घोटी का रास्ता पकड़ा हुआ है। घोटी ना घोटी, हाँ तो घोटी घोटी बोला। अरे घोटी तू सुना गलती से। हमने घोटी का रास्ता पकड़ा हुआ है दोस्तों। अगर आप घोटी के रास्ते वाया मुंबई से वाया घोटी आते हैं सिटी के लिए, तो आपका कम से कम 50 किलोमीटर बचता है। ये आपको टोल, दूसरा जो टोल पड़ता है एक्सप्रेस हाईवे का, उसके बाद आपको राइट लेना है, वहाँ से आप आइए आराम से। और टोल नाका तो नाम होता है घोटी टोल। हाँ घोटी टोल नाका, यस घोटी टोल नाका। और थोड़ा सा रास्ता कहीं ख़राब है एक आध किलोमीटर का, नहीं तो बाकी रास्ता एकदम बेस्ट है, आप इस रोड से आ सकते हैं। बॉम्बे नासिक है ना, 185 किलोमीटर है बराबर। आणि नाशिक रोड पासून ते शिर्डी 90 किलोमीटर है। आराम से चालू हो जाता, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। अभी रुके, अभी यहाँ से निकलेंगे आराम से, सामने मस्त क्लाइमेट। अभी यहाँ से घाट चालू होगा, आगे का नज़ारा जो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, तो मस्त है एकदम। हाईवे के पास खड़े हैं, किरण इज ड्राइविंग, बार बार लेफ्ट हैंड से गियर हो देगा। लेकिन फिलहाल अपनी ऑटोमेटिक आप लोग की दुआ से तो फिलहाल तकलीफ हो रही है किरण को भाई, एकदम रफ एंड टफ ड्राइवर एकदम, लेकिन एकदम सिद्धांतवादी तरीके से चला रहा है। इसी बारे में मुझे वीडियो लेने का मौका मिल रहा है, मस्त एकदम। दोस्तों काफी थक चुका हूँ और काफ़ी मज़ा भी आया, साई के दर्शन भी हुए। खैर पूरा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि शिरडी का पूरा धाम साईं बाबा का है, तो खैर मंदिर के दर्शन हो गए तो बाबा के दर्शन हो गए। तो मेरा तो खैर एक एम ही था कि भाई नई गाड़ी ली है तो बाबा के द्वार तक पहुंचनी ज़रूरी है, तो पहुंच गया। वापस जाना है शिरडी, फैमिली के साथ जाना है, लेकिन जब ये कोरोना का सब इशू ख़त्म होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर, क्योंकि वाइफ को लेके जाना, बच्चों को लेके जाना, तो एक नाइट स्टे ज़रूर बनता है। आराम से जाएंगे, फिर आराम से आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए तो बाबा ने अच्छा दर्शन दिया है, अच्छे से मंदिर का दर्शन हुआ, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है आज के लिए। और निशान तो किरण तो निकल चुके हैं अपने अपने घर के लिए, तो और मोबाइल की बैटरी भी डाउन थी, तो मैं आप उनका वीडियो बना नहीं पाया बाय करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे, और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो दूसरे वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ, क्योंकि क्या होता है आप लोग के लाइक और आप लोग जो शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमें एक उम्मीद मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का प्यार मुझे आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, बाय।